लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। पूरा अधिकार अपने नेता पर है और मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार मेरा है, नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिले कि वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। कांग्रेस का झंडा होगा। मेरा अधिकार अपने नेता पर है और मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार मेरा है, नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिले। अगर कांग्रेस उस समय अगर तैयार नहीं होती तो क्या निर्दलीय करेंगे आप नामांकन? फिर जनता को तय करने देंगे। जनता तो कल भी तय की हुई है, आपकी गाड़ी के काफी लोगों को रोका है। जनता को तय करने देंगे क्या होगा। 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल प्रस्ताव किया है चुनाव लड़ने का। लोगों ने कहा कि हम लोग कांग्रेस नेतृत्व के प्रति हम सबकी आस्था है। लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। और लालू यादव जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त रहे। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है और 2 तारीख को ही टेंटेटिव नॉमिनेशन का डेट है। कांग्रेस के साथ सर 2 तारीख को टेंटेटिव प्रस्तावित डेट है। आप बोल रहे हैं सर कि 2 तारीख को नॉमिनेशन का डेट कांग्रेस पे आप बोल रहे हैं। कांग्रेस ने 9 सीट का घोषणा कर दिया। आज प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पप्पू जी महागठबंधन के साथ में कांग्रेस के अंग हैं, तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वहाँ पे मदद करनी चाहिए। तो उनका घर का देखिए, मैं किसी पर कोई बात, सबको अपना बात रखने का। हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को मैंने अपनी भावना बताई। 2 तारीख को जब हम नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस छाप से नामांकन कर। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो। जन अधिकार पार्टी का विलय कम्युनिटी से हुआ है सर कि नहीं? सर मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो जी, कैसे मुमकिन है सर? अब ये इस बात को लेकर के आपको पूछना होगा केंद्रीय नेतृत्व। सर लेकिन मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो, लेकिन वो तो साफ कह रही है कि